अंबाला कैंट में नवनिर्मित 5 मंजिले सिविल अस्पताल की ओपीडी के लिए अब अंबाला वासियों को 1 महीने से ज्यादा इंतजार करना होगा, जबकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उद्घाटन के वक्त 31 अगस्त को ओपीडी शुरू किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते पहले इसका समय 15 सितंबर बताया गया था। और आज कैंट सिविल अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के उप निर्देशक कंस्ट्रक्शन आदित्य चौधरी ने सभी विभागों की बैठक के बाद मरीजों के लिए ओपीडी सुविधा शुरू करने की तारीख 1 माह और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि वे इस अस्पताल की लिफ्ट सुविधा को छोड़कर ओपीडी 15 अक्टूबर को विभाग को सौंप देंगे। हालांकि इस अस्पताल में कैंसर का इलाज करने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है और ये सब सुविधाएं मिलने के साथ ये मिनी पीजीआई के रूप में बन जाएगा। बिल्डिंग 30 सितंबर की जो मंत्री जी ने रखी थी इसकी टाइम लाइन, उसके अनुसार ये बन रही है। आज पीडब्ल्यूडी बीएमडीआर से और उनके जो है पब्लिक हेल्थ वगैरह से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं 30 सितंबर तक हम सारा जो है सिविल वर्क कर देंगे, उसके इलेक्ट्रिकल में 15 दिन और लगेंगे, तो 15 अक्टूबर को वो कह रहे हैं हम हैंड ओवर कर देंगे स्वास्थ्य विभाग। वो उसके बाद उनका हैंड ओवर हम करवा के फिर ओपीडी शुरू करवा देंगे। बाला से जाट टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।